जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सुरेश मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के नेताओं को लोन परफॉर्मिंग एसेट बताने पर कहा है कि क्या ये सही नहीं है कि जिनको आप अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर रहे हैं, एक दिन इनमें से 90% लोग आपके निकटतम लोगों में से थे। ये आपकी कुटिल राजनीति से परेशान होकर ही भाजपा में आए हैं। मिश्रा ने कहा कि राजस्थान और कांग्रेस के एकमात्र नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्वयं अशोक गहलोत हैं, जो अपनी पार्टी को 25 साल से कमजोर करते रहे हैं और राजनीतिक रूप से प्रदेश कांग्रेस को लड्डू बनाकर खाते आ रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि भाजपा के लिए तो अशोक गहलोत परफॉर्मिंग एसेट ही है, जो हर बार मुख्यमंत्री बन जाते थे और नकारा सरकार चलाकर भाजपा को जिताने में मददगार होते रहे हैं, लेकिन अब भाजपा के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पुराने सारे भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ने वाले नहीं है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय में बैठक ली। पंत ने विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर जयपुर शहर के विकास प्रोजेक्ट्स, यातायात एवं सफाई व्यवस्था, मानसून पूर्व तैयारियों आदि को लेकर समीक्षा की। अधूरे कार्यों को जल्दी पूरा करने को लेकर पंत ने अफसरों को निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को गर्मी के मौसम में यातायात व्यवस्था सही करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि लोगों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था की जाए। मानसून की तैयारियों के तहत नगर निगम के अधिकारियों को नालों की सफाई और पानी भराव वाली जगहों पर अभी से पर्याप्त व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सेंट्रल पार्क पहुंचे। शर्मा ने सेंट्रल पार्क में उन्होंने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे और पक्षियों को दाना खिलाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद सड़क किनारे चाय भी पी। इस दौरान वहां मौजूद जनता से अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम एवं कार्यकर्ताओं ने चौड़ा रास्ता पर चाय पी। दो दिन पहले मुख्यमंत्री की ली गई पार्टी संगठनात्मक बैठक में तय हुआ था कि सेवा ही संगठन के माध्यम से पक्षियों के लिए परिंदे लगाएंगे। नेक्थिएट कार्यक्रमों की श्रृंखला में युवा शास्त्रीय कलाकार मुजम्मिल अली ने राग भीम पलासी में जा जा रहे अपने मंदिर वाजा सुन पावेगी मोरी सांस ननंदिया को बड़े सुरीले अंदाज में प्रस्तुत कर दर्शकों की दाद पाए। नेक्थिएट के राजेंद्र शर्मा राजू ने बताया कि कलाकार मुजम्मिल अली ने शास्त्रीय संगीत की तालीम उस्ताद बुंदू खां और सूफी गायन अपने दादा उस्ताद हाजी टिम्मू गुलफाम और अपने पिता मुस्तफा अली से ली। इन्होंने अपने गायन की शुरुआत राग जौनपुरी में एक बंदिश पायल की झनकार बेरनिया झनझन बाजे ऐसी मोरी को द्रुत लय में प्रस्तुत कर अपनी गायकी का परिचय दिया। इसके बाद राग में मल्हार में फूल रही सरसों सकल बन अम्बा मोरे गैसु फुटे गौरी करत सिंगार मलानी अगरबा लगाया बरसों फूल रही सरसों सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज ने कौशल्या अदास जी महाराज की बगीची में श्री राम कथा मानस पंचामृत कथा के तृतीय दिन कहा कि संकल्प को परमात्मा पूरा करते हैं। पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। कहीं वह धन शुभ कार्य में खर्च होता है, वह कृपा है। पहला दान कीजिए, भोग लीजिए या फिर नाश होता हो ना दान हो सकता है, न दान कर पाता है उस धन का विनाश हो जाता है। गोस्वामी कहते हैं कथा में आने में बहुत कठिनाई है, घर के काम ज्यादा होते हैं कि आ नहीं पाते। कथा में हर कोई नहीं आ पाता जब तक ठाकुर जी नहीं बुलाते हैं। परमात्मा का निमंत्रण गया है इसलिए आप आए हैं। कथा स्थल ही एक ऐसा विश्राम स्थल है जो दवाई का काम करता है। कथा में बिना गोली खाए नींद आती है तो सो जाए, गोली खाने से अच्छा है यदि तुलसीदास की कोई चौपाई आपके कानों में पड़ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।